working at North and West Nagpur. I am working since 2009, from last 11 years, as you know. Hello, am I audible? Yeah. Yes, you are audible. Thank you so much. I didn't get any response for you. तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम रहमान सैयद है और मैं पिछले 11 सालों से कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं डुप्लेक्सेस बनाता हूँ इंडिपेंडेंट एज पर कस्टमर चॉइस, और फ्लैट्स बनाता हूँ, मैं ज़मीन खरीद कर उस पर कंप्लीट डेवलपमेंट करता हूँ, जैसे कि प्लॉट परचेज करके उस पर जो पर वर्क होते हैं एनआईटी एनएमसी के सारे सैंक्शंस लेकर बैंक से अप्रूव्ड करके लोन मैं लोगों को फ्लैट बेचता हूँ, डुप्लेक्सेस बेचता हूँ, और इसके साथ साथ मैं उनको उनके चॉइस के हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी करके देता हूँ। मैं कुछ स्पेशल चीज़ें बताना चाहूँगा मेरे फॉर्म के बारे में। पहले मैंने ये फॉर्म शुरू की थी एज ए पार्टनरशिप फॉर्म, बट अभी मैं होल सोल इस फॉर्म का ओनर हूँ, और तकरीबन 160 से लगभग मैंने फ्लैट्स और डुप्लेक्सेस इंडिपेंडेंट हाउसेस बनाए हैं। फ्लैट स्कीम तकरीबन मैंने 14 के करीब फ्लैट स्कीम मैंने बनाकर बेच चुका हूँ, और अभी आने वाले समय में 3 फ्लैट स्कीम मेरी और शुरू होने वाली है, जिसके कि पेपर वर्क सभी एनएमसी में शुरू है सेंक्शन के लिए, जिसमें 3 BHK फ्लैट्स हो गए और 2 BHK फ्लैट्स हो गए। इसके अलावा मैं इंडिपेंडेंट डुप्लेक्सेस भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो अभी हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पर डुप्लेक्सेस रेडी होने से पहले ही बिक जाते हैं। तो मैं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो मेरे मार्केटिंग पर्सन है, हम लोग जैसे कि ऐड करते हैं मैजिक ब्रिफ है 99acre.com में, और जो पर्सनल रिलेशन है इनके थ्रू हमें लीड्स प्रोवाइड होती है, लीड्स मिलती है हमें, और हम उनको कॉल करके बुलाते हैं, और डुप्लेक्सेस जो है उनको हमारे जो रेडी डुप्लेक्सेस है वो हम उन्हें दिखाते हैं। इसके अलावा जो हमारे कंस्ट्रक्शन शुरू है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग उन्हें दिखाते हैं, जिसमें कि वो काम की क्वालिटी को समझते हैं और रेडी में वो समझते हैं कि किस तरह से काम कंप्लीट हुआ है। तो कम्प्लीटली इवन टाइल से लेकर पेंट, पीओपी की डिज़ाइन, मॉड्यूलर किचन का टाइल, कलर, बाथरूम्स के टाइल्स और एलिवेशन, पेंट, एवरीथिंग हम कस्टमर के चॉइस से लगा कर देते हैं। और एक प्रोजेक्ट हम लगभग 10 महीने में कंप्लीट करते हैं, प्लॉट की स्टेज के बाद से 10 महीने में कंप्लीट करते हैं। इसमें जब हम उन्हें प्लॉट दिखाते हैं तो पहले हम उनका लोन करवा के देते हैं, प्लॉट परचेज प्लस कंसेशन का, जिसमें प्लॉट परचेज में भी उन्हें लोन मिलता है बैंक से, जिसमें इसके अलावा उसमें ये भी हम उनसे डिसाइड करवाते हैं कि उनका किचन एज पर वास्तु या जैसे भी वो जिस चीज़ को भी मानते होंगे कहाँ पर होगा, कितना बड़ा होगा एज पर प्लॉट साइज और एज पर सैंक्शन फ्रॉम एनएमसी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो जब कस्टमर अपने सपनों का घर बनाता है, अपनी खून पसीने कमाई से अपना घर बनाता है, तो हम उसके साथ उसकी चॉइस के हिसाब से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर उसकी चॉइस के हिसाब से डिज़ाइन कर हम उन्हें घर बनाकर देते हैं। इसके अलावा फ्लैट्स भी मैं बनाए हैं, काफ़ी सारे बनाता हूँ मैं, सेल रिपर्चेस और सेल का भी काम होता है मेरे ऑफिस से। मेरे दो ऑफिसेस हैं, एक रायदुर्ग बिल्डिंग कुराड़ी रोड पर और एक ओम नगर में, दो ऑफिसेस से मेरा काम होता है। मेरे पास 8 परमानेंट लोगों की टीम है जो काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे ठेकेदार अलग अलग टाइल्स के, पेंट के, कंस्ट्रक्शन के और सिविल के अलग अलग ठेकेदार की काफ़ी बड़ी टीम है। मैं काम भी लेता हूँ, किसी का अगर घर कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूँ तो वो पूरे नागपुर में कहीं पर भी मैं उनका घर बनाकर उन्हें दे सकता हूँ। पेपर वर्क सारा हमारे यहाँ से हो सकता है, अगर NIT, NMC, सिटी सर्वे म्यूटेशन कराना हो, बिल्डिंग परमिट सेंक्शन कराना हो, ये सारे काम भी हम लोग करके देते हैं, ये सुविधा भी हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। और मेरे जो कस्टमर थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 160 के से ज़्यादा मैंने डुप्ले
फ्लैट और डुप्लेक्सेस बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने लोगों के घर भी बनाकर दिए हैं और पेपर वर्क भी काफ़ी किए हैं। तकरीबन मैंने मोर देन 400 क्लाइंट्स को अभी सॉरी 400 क्लाइंट्स को मैंने अपनी सर्विसेज दी है जो सेटिस्फाई है मुझसे, और मुझे वो और भी लीड्स प्रोवाइड करते हैं। मैं एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जॉइंट वेंचर में भी काम करता हूँ। जैसे कि अगर किसी का प्लॉट है उस पर उसकी मैं आज की कीमत तय करता हूँ, और इसमें जो भी बनाना होगा वहाँ पे फ्लैट या डुप्लेक्स, तो मैं आज की कीमत के हिसाब से उनको अमाउंट, इसके अलावा उस जो हम बनाने की बनाकर बेचने के बाद जो प्रॉफिट हमें बचता है उसमें भी उनको शेयरिंग देता हूँ। इसको जॉइंट वेंचर में आप कह सकते हैं। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के ऐसे कुछ विचार होंगे जिनके पास में प्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो वो मुझे जॉइंट वेंचर में दे सकते हैं। सारे टैक्सेस वगैरह मैं बेयर करता हूँ, फॉर्मेलिटीज सारी मैं कंप्लीट करता हूँ, उसको सारे यूनिट्स को बेचने भी मैं बेयर करता हूँ, और उसको कंस्ट्रक्ट करने का भी खर्चा मैं उठाता हूँ। तो उनको जॉइंट वेंचर में जैसे भी तय होगा प्लॉट की कीमत के साथ में प्रॉफिट में भी शेयरिंग मैं उनको देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग प्लॉट्स का सेल परचेज भी करते हैं और उसके सारे पेपर वर्क करते हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्क भी हम लोग दूसरों का करके देते हैं। लोन की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। टर्न की प्रोजेक्ट भी हम लोग करते हैं जिसमें कि जैसे मैंने आपको भी डिस्क्राइब किया, कंप्लीट घर बनाकर जैसे शुरुआत से लेकर एंड तक चाबी दे तक हम उनके साथ उनको सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने मनीष नगर में भी काम की शुरुआत की है, वहाँ पर भी प्लॉट्स हमने लिए हैं जहाँ पर कि हम लोग फ्लैट्स बनाने वाले हैं। तो जैसे पूरा नागपुर उसमें कवर नहीं कर पा रहा हूँ अभी, मैक्सिमम मेरा फोकस उत्तर नागपुर में और वेस्ट नागपुर में है। इसके अलावा मनीष नगर में कुछ रिक्वायरमेंट आई थी मेरे पास जिसके तहत मैं वहाँ पर काम शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं टर्न की प्रोजेक्ट्स भी लेता हूँ, जॉइंट वेंचर में भी काम करता हूँ, फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करता हूँ, मेरे यहाँ पेपर वर्क भी होता है और प्लॉट्स का सेल परचेज भी होता है ओल्ड प्रॉपर्टीज का, और टर्न की प्रोजेक्ट के अंतर्गत सारे काम मैं करता हूँ। तो रियल इस्टेट से दुकान शॉप्स वगैरह में भी मैं काम नहीं करता हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी में मैं काम नहीं करता हूँ, सारे रेजिडेंशियल और प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए मैं काम करता हूँ। तो मैं आपसे रेफरेंस चाहूँगा, अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके पहचान वालों में अगर किसी को इन चीज़ों की आवश्यकता हो, या मेरे जो प्रपोजल बताया है जॉइंट वेंचर के उसमें किसी कोई इंटरेस्टेड हो तो कृपया मुझसे कनेक्ट करवाएं। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे कामठी परिसर में 300 फुट स्क्वायर फिट की ऑफिस के लिए शॉप की आवश्यकता है, अगर किसी के पास अवेलेबल हो तो मुझे कृपया बताएं। और मैं सबको एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।